नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com की खास खबर में हम आपको बताते हैं कि वामा साहित्य मंच और घमासान.com की ओर से रखा गया अखिल भारतीय महिला लेखिका का आयोजन, जिसमें शोभना श्याम मित्तल ने कहा कि आज कविता घर रसोई और जन जन तक पहुंच गई है। आइए देखते हैं उनका कुछ विचार। अब हम जानते हैं कि जीवन और जगत दोनों सतत प्रवाहमान है, प्रवर्तनशील है, तो जैसे जैसे वक्त के साथ हमारा जीवन बदलता है, जीवन शैली बदलती है, रहन सहन बदलता है, सभ्यता का प्रसार और प्रचार विज्ञान के पंख लगाकर तेजी से उड़ता है, तो जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग साहित्य और काव्य उसके प्रतिमान भी बदले में। कविता के बदलते प्रतिमानों को अगर हम बहुत छोटे में कहना चाहें तो हम ये कहेंगे कि ये शिल्प से भाव के द्वारा होते हुए विचारों तक पहुंचने की यात्रा है। अगर हम इसे एक पंक्ति में कहें, अलंकारों और छंदों के बिंब में बदलने की कहानियां अगर आधुनिक कविता में या नई कविता में देखें तो सिर्फ छंद के बंद ही नहीं खुले हैं बल्कि रस निष्पत्ति का स्वरूप भी बदल गया है। अब सीधे सीधे विषय और रूप के द्वारा कभी रस निष्पत्ति नहीं करता बल्कि नए नए बिंबों और उपमानों के द्वारा ये निष्पत्ति की जाती है। प्रसिद्ध कवित्री अनामिका जी की ये बहु प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, मैं दरवाजा थी जितना पीती गई उतना खुलती गई। ये बहुत सुंदर पंक्तियां उन्होंने स्त्री विमर्श पर स्त्री के लिए लिखी है और मैं कहती हूँ कि ये काव्य और कविता पर भी बिल्कुल खरी उतरती है। जैसे जैसे कविता की पैठ दरबारों और उसके बाद मंदिरों से निकलकर जन सामान्य के बीच हुई और जन सामान्य की कविता के बीच हुई, वैसे वैसे कविता के जो मानक थे, आदर्श थे, प्रतिमान थे, उनका स्वरूप भी बदलता गया और जो बिल्कुल स्वाभाविक था। जब हम ये कहते हैं कि साहित्य समाज का आईना है तो जीवन शैली बदलने के साथ प्रतिमान में निश्चित रूप से बदलेंगे। जब हम चटाई पर बैठकर एक समय खाना खाते थे, वहां से हम डाइनिंग पे डिनर करते हुए आगे बढ़कर बुफे सिस्टम में खड़े खड़े खाना खाने तक पहुंचे हैं, तो काव्य के प्रतिमान भी उसी रूप में बदलते जाएंगे। जो कविता कभी युद्ध में तलवारों पर शान रखा करती थी, अपने आकाओं की वीरता बलि गाती थी, वही कविता अपने ईष्ट के सामने भक्ति के गीत गाती हुई मृदंग और पखावज बनती थी, वह धीरे धीरे जनमानस की रसोई में पहुंची, उसके चूल्हे पर चढ़ी, उसकी कढ़ाई में खदमदाई चकले पर मिली। जो कविता बागों और शहरों की बागों की सैर करती, फूलों की खुशबू का आनंद लेती, तितलियां पकड़ती थी, वह कार और ट्रक चलाने लगी, बसों के हैंडल पकड़कर लटकने लगी कविता, ऑफिस की मेज पर पहुंची कविता, फाइलों के आंकड़ों में दर्ज हुई कविता, यहाँ तक कि महीनों से बंद पड़ी फाइलों की धूल भी बनी कविता। जो कविता शयन कक्ष के बाहर खड़ी दरवाजा खटखटाने में झिझकती थी, अब वो उस आलिंगन के बीच घुसने लगी जहाँ हवा भी प्रवेश नहीं पाती थी। वो कविता जो सलीके से जूड़े बनाकर उसमें फूल लगा लेती थी, बेड़ी में गजरा गूंजती थी, वो अपने बिखरे हुए बालों को लापरवाही से बांध कर उसमें पैन लगा लेती थी। जैसे हम संपूर्ण भोजन से चलकर जहाँ जैसा उपलब्ध हो जाए उसे स्नैक तक पहुंचे हैं, 5 दिन में खेले जाने वाले टेस्ट मैच के बाद 20-20 आए, उसके बाद 10-10 और शायद 1-1 भी आ जाए, और कभी कहें कि बस चलो पासा उछाल लो, सिक्का उछाल लो और हो गया मैच का फैसला, तो उसी प्रकार कभी पहले किसी एक भाव को लेकर नायक या नायिका को लेकर प्रबंध काव्य लिखने की बजाय अब विभिन्न विषयों पर भावों को लेकर छोटी छोटी कविताओं और क्षणिकाओं की सृष्टि करता है। कुंवर नारायण ने तीसरा सप्तक में कहा था कि जीवन के इस बहुत बड़े कार्निवाल में कभी एक बहुरूपी की तरह है जो हजारों रूपों में लोगों के सामने आता है, जिसका हर मनोरंजक रूप किसी न किसी सतह पर जीवन की अद्भुत व्याख्या है। आज कविता में न केवल तथ्यों की व्यापकता है बल्कि दृष्टि की उन्मुक्तता भी है। श्रीकांत वर्मा की कुछ पंक्तियां हैं कि चिमनियों की गंध में डूबा है शहर, शाम थक कर आ रही है कारखाने से, और अभी बहुत ही उदयमान हमारी साथी कवित्री संध्या सिंह बिल्कुल नया उपमान कविता में देखिए, उनका दोहा, पलट पलट कर छेड़ती करती फिर वार, पाख सरीखा हो गया सर्दी का व्यवहार। तो ये नहीं
वाली कविता कितना हम लोगों के जीवन के पास आई है और वो दूर से नहीं देखती, हमारे बीच घुसती है। जब हम इन पे अगर बदले से भी मानकों पर क्रमवार चर्चा करें तो वादों और सिद्धांतों से मुक्ति, ये सबसे पहली बात है। अब पहले के कवि क्या होते थे कि या तो वो खुद किसी बात से जुड़ते थे और अगर नहीं भी जुड़ते थे तो जानबूझ के या जबरदस्ती आलोचक उन्हें किसी ना किसी वाद और सिद्धांत से जोड़ दिया करते थे। और अब कभी नहीं जुड़ता, वो किसी सिद्धांत किसी कट्टरता से किसी वाद से नहीं जुड़ता, क्योंकि आजकल की कविता तो ये उनके रामबर जी के शायद शब्द है कि सिद्धांतों के बड़े बड़े गुब्बारों के लिए पिन का काम करती है और उनकी हवा निकाल देती है। तो इसी प्रकार से कविता परंपराओं को लगातार अस्वीकार कर रही है, पहले आदर्शों और मूल्यों में बंधी होती थी और आज ही कविता का प्रतिमान आदर्शों से बंधा हुआ महामानव महानायक नहीं बल्कि रोजमर्रा के संघर्षों से जूझता जीवन संग्राम में लड़ने के लिए आदर्शों को तिलांजलि देने को तैयार होता लघु मानव है। आज कवि साफ साफ कहता है, ज्ञानों को ज्यादा उसका क्या करें हम, उसे क्या पीसेंगे, उसे क्या खाएंगे, उसे क्या ओढ़ेंगे या बिछाएंगे। तो जो जीवन मूल्य काव्य का अपरिहार्य हुआ करते थे आज उसके लिए विद्रोह दिखाई देता है। वो साफ साफ कह देता है, श्रद्धा सम्मान प्रेरणा इन शब्दों को तो पाण की पीठ के साथ थूकता हूं। और देखिए जाहिर है कि जब विद्रोह आएगा भाषा तो भाषा भी मृदु श्रेष्ठ और सभ्य मानक रूप से निकल कर वो खुरदरी होगी सतही होगी अशिष्ट होगी और कहीं कहीं तो गाली नुमा भी होगी और हो रही है। रचनात्मक स्तर पर भाषा के संस्कार और उसकी सांस्कृतिक जड़ों के प्रति उदासीनता आई है। यह उदासीनता अलंकारों में भी दिखाई देती है। आज से चार दशक पूर्व जो भी लिख रहे थे उन्हें याद होगा कि हम उस समय शब्द अलंकारों के लिए विशेष आग्रह हुआ करता था। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जंतर में, ये हमें बड़ा मोहित करती थी इस तरह की पंक्तियां और हम चाहते थे कुछ हम भी कुछ ऐसा ही लिखें। लेकिन पता नहीं धीरे धीरे ये व्यामोह चमत्कारों के प्रति अलंकारों के प्रति धीरे 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 कम होता होता लगभग गायब हो गया, लगभग तिरोहित हो गया, उसका स्थान भिन्न विधान ने ले लिया। देखा जाए तो ये परिवर्तन कई दृष्टि से सकारात्मक भी है क्योंकि छंद और अलंकार का आग्रह अक्सर भावों पर भारी पड़ता था। उससे मुक्त होने पर अब भाव और विचार खुलकर हमारे सामने आने लगे हैं। अब जैसे आप ही देखिए, कोई राजप्रसाद में बैठी है या आप किसी फंक्शन में जाते हैं किसी उत्सव में जाते हैं, भारी भरकम कपड़े पहनते हैं, खूब सारी ज्वेलरी लाते हैं, लेकिन जब आप सड़क पर जाते हैं, आप ऑफिस में जा रहे हैं, आपको बस पकड़नी है, लोकल पकड़नी है, मेट्रो पकड़नी है, तो आप सुविधाजनक कपड़ों के साथ बहुत ही हल्की फुल्की एक चेन और कंगन डाल लेते हैं। तो जब कविता राजप्रसाद से निकलकर मंदिरों से निकलकर जब आम सड़क पर उतरेगी तो फिर वो अलंकार को तो छोड़ने को बाध्य हो ही जाएगी। इसी प्रकार तो कविता आज जो है कविता वो जीवन को ना तो एकांगी रूप में देखती है ना ही महत्वपूर्ण रूप में देखती है, वो समग्र रूप में देखती है, जीवन को जीवन की तरह लेती है। इसीलिए तत्सम और संस्कृत शब्दों के आग्रह को छोड़कर उर्दू मिश्रित हिंदी और अंग्रेजी के प्रसिद्ध शब्दों से युक्त हो रही है। मेरी एक साथी है युवा कवित्री अंजू शर्मा, उनकी कविता है 40 साल और से, और मैं ये कहती हूँ कि आजकल की रचना प्रक्रिया और प्रतिमान को ये कविता बहुत अच्छे से प्रकट करती है। लंबी कविता है, मैं सिर्फ 4 पंक्तियां दे रही हूँ। इन अलसारी आंखों ने रात भर जाग कर खरीदे हैं कुछ बंजारा सपने, सालों से पोस्टपोन की गई उम्मीदें उफान पर हैं, ये पूरा होने के लिए यही समय तय हुआ था शायद, अभी नन्ही उंगलियों से जरा सी ढीली हुई है इन हाथों की पकड़ कि थिरक रहे हैं वो कीबोर्ड पर और उड़ाने लगे हैं उम्मीदों की पतंगें। बहुत लंबी है, बहुत खूबसूरत कविता है, कभी फुर्सत से बहुत पूरी पड़ेगा, नेट पर भी आप 40 साल और से टाइप करेंगे तो ये आपको मिल जाएगी। तो हम देख रहे हैं नारी के प्रति दृष्टिकोण बदला है। पहले सम्मान पूर्ण से वात्सल्य और श्रद्धा पूर्ण नारी का चित्रण होता था, नारी तुम केवल चिंता हो विश्वास पक्तल में, और अब कभी कह देता है नारी बिचारी है पुरुष की मारी है, तन से शोधित है मन से बुधित है लपक झपक कर अंत में चित्त। तो अब देखा जाए तो सौंदर्य बोध पे हम आते हैं, तो आज की कविता में सौंदर्य बोध भी बहुत व्यापक है।
मेरे सामने मित्र दीदी बैठी है, उनका एक हाइकू है कि सुबह आई सुनहरी चुनर हरी कराई। अद्भुत व्याख्या है सुबह की, मैं कहती हूँ इससे अद्भुत व्याख्या नहीं हो सकती। इसी प्रकार आज की कविता में यथार्थ की पीड़ा भी है। मैं फिर अनामिका जी का जिक्र कर रही हूँ कि वर्किंग विमेन्स हॉस्टल की हम सब औरतें ढूंढती ही रह गई कोई ऐसा जिसे देख कर मन में जगे प्रेम का हौसला। महिलाएं पुरुषों की दुनिया में एक बहुत सकारात्मक हुआ है आज की कविता में कि महिलाएं पुरुषों की दुनिया में और पुरुष महिलाओं के अंदर मन के संसार में लगातार प्रविष्ट हो रहे हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।